हेलो आप नमस्ते, अब तक मेरे चैनल में बहुत बहुत सारा सभी कैसे हैं। फिर आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ ठंड का मौसम है, बहुत ठंड कर दिया फैन, बहुत दो तीन तीन दिन से बहुत मतलब धूप ही नहीं निकल रहा। आपका कमेंट में जरूर बताइए कि आप सबका वहाँ धूप निकल रहा है क्या नहीं। यहाँ पर बहुत ठंडी और कुहासा, बहुत ही फ्रेंड बहुत ज़्यादा कुहासा, सुबह से धूप नहीं निकलता, दिन भर तीन दिन हो गया अभी तक धूप नहीं निकला। फिर हवा चल रहा है बहुत ठंडी ठंडी, तो देखिए कपड़ा सब पसार दिया, हवा में ऐसे सूखेगा हल्का फुल्का, दो दिन से पता नहीं धो सूखा नहीं है। देखिए बाबू सब भी छत में खेल रहा है, और क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे मतलब ठंड क्या ना, तो बाबू सबको दिन भर रूम में रखे थे, तो मतलब कार्टून देख रहे थे, कार्टून दोनों वो गेम खेल रहे थे, कार्टून देख रहे थे मेरे वाल, तो इसीलिए अभी निकले हैं। और सप्तंग गया रूम में रहते रहते, इसीलिए इसको दोनों को लेके छत पे आए, और छत पे भी से खेल रहा है कूद रहा है, और देख सकते हैं ना फिर अभी देख रहा है हवा कितना चल रहा है, मेरा कपड़ा सब देखिए कितना उड़ रहा है, बहुत ही ठंड में फ्रेंड। और मतलब यहाँ पे धूप ही नहीं होगा, एक जनवरी दिन से तो ठीक था मौसम, और फिर दूसरे दिन से नहीं फ्रेंड। तो चलिए वो वाला छत में दिखाते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड ये वाला छत में इतना सारा कपड़ा दो दिन का धोया हुआ सूख रहा है, वो न्यू वाला छत था, देख सकते हैं। और ये अपनी नहीं वाला छत है फैन, तो इसमें बाबू सब खुला अभी थी, गंदा कितना है मतलब, तो झाड़ू नहीं लगाया था, झाड़ू लगाए थे ना फिर से गंदा हो गया, सीमेंट सीमेंट का कभी कभी गिट्टी है इधर, इसीलिए और इधर देखिए इधर खेल रहा है। तो हेलो फ्रेंड, चलिए आज मेरी बेटी आप सबको कुछ सुनाने जा रही है, और आंगनबाड़ी में सीख के रही है, तो चलिए बोलो सुना। तो आप सभी को कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो अभी देखिए फ्रेंड हम आ गए किचन, और किचन में हम बना रहे हैं, आज भी कूट रहे हैं लहसुन अदरक मिर्ची को, तो अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, आज बनाएंगे हम लिट्टी, और इसीलिए इसका मसाला हम तैयार कर लिए हैं, देख सकते निकाल लिए हैं। तो चलिए अभी सत्तू निकाल लेते हैं, देखिए सत्तू हम निकाल लिए, चना का सत्तू है, उसको हम डाल दिए मिर्ची अदरक लहसुन को, और स्वाद अनुसार नमक सरसों का तेल और नींबू, देख सकते हैं नींबू अभी गार देंगे उसमें, तो अभी देख सकते हैं एक नींबू लिए हैं, तो एक नींबू पूरे दे दिए फ्रेंड, तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं सबसे पहले, तो अभी देख सकते हैं फ्रेंड, और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में ठंडी दिन में, ये सब खाइए बहुत ही मज़ा, ये सब ठंडी दिन में ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड खाने में, गर्मी दिन में नहीं अच्छा, तो इसीलिए मेरे घर में भी ज़्यादातर ठंडी दिन में ही बनेगा ये आलू वाला पराठा लिट्टी और ये सब वगैरह, और देख सकते हैं इस तरह करके भर लिए हैं लोइया बना के, और चलिए इसको बेल लेते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह हम बेल लिए हैं, तो तवा मेरा तीप चुका था और तवा में हम डाल दिए, अच्छे से मेरा देख पक रहा है, तो अभी देख सकते हैं कितना अच्छा पक गया है, तो इसमें हम इस सरसों का तेल देंगे हल्का हल्का, और मतलब हम छाँक के नहीं बनाते फ्रेंड, सेक के बनाते हैं, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही अच्छा, और वही सबर कर रहे हैं फ्रेंड बगल में, सब बच्चे सब खेल रहा, आवाज़ आता होगा आप सबको हल्का हल्का, तो अभी देख सकते हैं इस तरह करके हम सारा परोठा मतलब लिट्टी में तेल हम मिला दिए हैं, और इस तरह करके देख सकते हैं आप सब जरूर बना के देखिएगा फ्रेंड, इस तरह बहुत ही अच्छा लगता है, छका हुआ तो अच्छा जा और लगता है फ्रेंड, मतलब तेल नहीं था ना तो हल्का तेल था इसीलिए, तो आ जाइए फ्रेंड खाने के लिए, मेरा लिट्टी बन के तैयार, थैंक यू फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाय बाय।